गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स, मु राकेश कुमार राणा स्वागत करुछी एप्सिलॉन डेल्टा मैथ क्लासेस को। आज टॉपिक आमे सेम डेफिनेट इंटीग्रेशन रो प्रॉपर्टी को डिस्कशन करथले प्रीवियस क्लास रे। आज भी सेम डेफिनेट इंटीग्रेशन रो रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जा रही हैची ताको आमे डिस्कशन करबा। रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज कहले हमर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट करथले, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, देन सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी भी रहउची। एबे फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रोसीड करिबा। ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी रहउची इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू रहउची इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स dx plus integration from c to b f of x dx। माने वो कोई अगर मीनिंग हो जी बड़ा फंक्शन हो जी f of x जहाँ इंटीग्रेशन करा जाओ जी लिमिटिंग वैल्यू को इंटरवल नहीं जाओ जी ना a to b इंटरवल रे लिमिटिंग वैल्यू नहीं जाओ जी a to b इंटरवल लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं जाओ जी आउ से फंक्शन टी को इंटीग्रेट करले जहाँ आसीबो से दुईटा फंक्शन सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स माने सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स को दुई थरे लिखा जाय छी आउ सेपरेट सेपरेट दुईटा इंटरवल ले इंटीग्रेट करा जाउ छी। एफ ऑफ एक्स को सेम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करा जाउ छी ए टू सी इंटरवल रे, सेम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करा जाउ छी सी टू बी इंटरवल रे। तले ए टू सी सी टू बी इंटरवल का मीनिंग होची गोटे इंटरवल रहूची ए बी इंटरवल भीतर गोटे पॉइंट रहूची सी सी इज एनी पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट लाइज इन बिटवीन ए बी एंड ए एंड बी क्लोज्ड इंटरवल सी इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इट इज लाइन इन बिटवीन ए एंड बी क्लोज्ड इंटरवल यदि ए और बी क्लोज इंटरवल भीतर यदि सी रहुची सीधा ए करुची ताहले हमें ताकु दुटा सब इंटरवल ले कन्वर्ट करि परिबा। इंटरवल 1 इंटरवल 2 इंटरवल 1 रहुची ए टू सी इंटरवल 2 रहुची सी टू बी तो ए टू सी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट सी सो ए टू सी इंटरवल भीतर सेम एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट केते आसुची। देन नेक्स्ट I2 is the second sub interval C to B भीतरे same f of x function रो integration result केते आसुची जहाँ आसुथिबो A to C भीतरे integration result जहाँ आसुथिबो C to B भीतरे integration result जहाँ आसुथिबो से बराबर हबो कहरो ना same function f of x रो A to B भीतरे integration रे रिजल्ट जहाँ आसुची से मानों को सेता बराबर हो। A to C इंटरवल भीतरे जहाँ भी आसुती वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट। नेक्स्ट C to B इंटरवल भीतरे फंक्शन एफ ऑफ एक्स रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट जहाँ आसुती वो दुइटा को ऐड करले से कहाँ से तो इक्वल होती वो ना A to B भीतरे रहुती वा सेम एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट सहित। अल्टीमेटली कहि अब बोले एठी एक्स एक्सिस अछि वाई एक्सिस अछि गोटे कर्व अछि जार ना होछि एफ ऑफ एक्स। ओके, दिस पॉइंट टू परपेंडिकुलर मैनर रे एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ होइ छि दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस को भी परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ होइ छि एटा ए this point will be b and c is any arbitrary point in between a and b। okay, jodi a function ro na pura function ta jodi f of x hochi tale function f of x under re kete area covered heik rouchi seta ame janiya pai hele ame kon kariba c point ro gote perpendicular length vertically प्लॉट कोली जोटा एफ ऑफ एक्स को गोटे पॉइंट रे कट कोला माने होल रीजन टा
होल रीजन कहिले कर बंडर रे आउ एबी इंटरवल रे एबव रे आउ टू वर्टिकल लाइन रो फर्स्ट वर्टिकल लाइन रो राइट रे सेकंड वर्टिकल लाइन रो लेफ्ट रे जति की रीजन रहुतला सेटा रहुतला एफ ऑफ एक्स अंडर थिबा एरिया अच्छा तले एफ ऑफ एक्स अंडर थिबा एरिया को होल एरिया को जति हमें टू सब एरिया रे कन्वर्ट करिबा ताले ए गोटे आसीबो एरिया दिस एरिया ए गोटे आसीबो एरिया दिस पोर्शन ऑफ दिस एरिया ओके ताले दिस एरिया जो रहूची एफ ऑफ एक्स अंडर रो थीबा दिस पोर्शन ऑफ दिस एरिया ना सी टू बी इंटरवल भीतर रहूची ताले सेम एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो अंडर रे ए टू सी इंटरवल भीतर रे दिस एरिया रो ओके चलो आपको कैलकुलेशन करिया जते बेले हमें कोन करबा ना एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो दिस टू दिस पार्ट अंडर रे जति के एरिया रहूची सिति पाई एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हमें इंटीग्रेशन करबा ए टू सी इंटरवल भीतर रे आउ एफ ऑफ एक्स फंक्शन अंडर रे ए टू सी इंटरवल भीतर जति के एरिया आसुतिबो एठी मेंशन करबा ता परे सी टू बी इंटरवल भीतर सेम एफ ऑफ एक्स फंक्शन अंडर रे जति की एरिया आसुतिबो ताकू फाइंड आउट करबा आ एठी मेंशन करबा ओके ता परे दुटा को ऐड करबा ऐड कला परे केते आसीबो ना होल ए टू बी भीतर एफ ऑफ एक्स रो अंडर रे रहुतिबा होल एरिया आसीबो ओके ताले सेति पई हम लिखि चंती इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स बुझियला आरो प्रूफ रो रिक्वायरमेंट से कुंती नाही जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग पई ग्राफिकल वे रे मु बुझेली नेक्स्ट हमें प्रो 45 पार्ट को प्रोसीड करबा ओके तबे हमर फिफ्थ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन रो फिफ्थ प्रॉपर्टी होउची इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इंटरवल भितरे एफ ऑफ एक्स फंक्शन रो इंटीग्रेशन करा जाउची बा एफ ऑफ एक्स कर्व अंडर रे थिबा एरिया फाइंड आउट करा जाउची सेटा कहां से तो बराबर हबो ना सेम ए टू बी इंटरवल ले भी लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी आउ ए ऑफ बी को कोन करबी लिमिटिंग वैल्यू लोअर लिमिटिंग वैल्यू ए सहित अपर लिमिटिंग वैल्यू बी को ऐड करबी ताले केते आसीबो ना ए प्लस बी आसीबो जति के रिजल्ट आसीबो सेथिरु एठी जहां भी इनपुट अछि एफ फंक्शन पे इनपुट केते अछि एक्स अछि सेटा को सबट्रैक्ट करबी माने टोटल आसुची ए प्लस बी माइनस एक्स आ एठी जहां भी फंक्शन लिखिबी सेम फंक्शन एफ लिखिबी किंतु इनपुट केते हि जीवो आ एक्स रहिबो नाही ए प्लस बी माइनस एक्स हि जीवो इनपुट ए प्लस बी माइनस एक्स हो इनपुट इनटू डीएक्स ए जो रिलेशनशिप टा एलएचएस सहित आरएचएस रो रहूची सेटा सब बेले ट्रू हो ए रो आ बी रो ईच एंड एवरी वैल्यू पाई ए रो जे कोनोसी वैल्यू नियो बी रो भी जे कोनोसी वैल्यू नियो लेफ्ट रे आ राइट रे ईच एंड एवरी ए आ बी वैल्यू पाई जहा भी नियो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस सब बेले हो किंतु एक्चुअली एटा प्रूफ करिया केमती तार ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी अछि एनालिटिकल प्रूफ भी अछि हमें एनालिटिकल प्रूफ फर्स्ट करबा ओके एनालिटिकल प्रूफ करिया पूर्वरु देखो मो फर्स्ट एटा को रीराइट करू छी एठी अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स ओके
अच्छा अच्छा हमें जानि छ सपोज दिस इंटीग्रेशन को किछ समय पे तुम भूली जाओ दिस इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करो दिस इंटीग्रेशन रो इनपुट जहां रहउची आ फंक्शन टा भी जहां रहउची आ लिमिटिंग वैल्यू जहां रहउचंती ताकु बेस करी करी हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी गुटे डेफिनेट इंटीग्रेशन रो पढ़ीतिले डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कोन थिला ना फंक्शन सेम थिबो लिमिटिंग वैल्यू भी सेम थिबो आ इंटीग्रेशन होथिबो से फंक्शन रो केवल वेरिएबल डिफरेंट थिबो किंतु से टाइम रे कोन हबो ना सेम फंक्शन डिफरेंट वेरिएबल रे अछि सेम लिमिट रे अछि ताले इंटीग्रेशन रो रिजल्ट भी बोथ केसेस रे इक्वल आसीबो माने यदि एक्स रो रिप्लेसमेंट रे मु एटी टी वेरिएबल लिए माने आ गोटे इंटीग्रेशन सेम लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी पई सेम फंक्शन एफ पई इनपुट ने भी ए प्लस बी वेरिएबल आ एक्स यूज करबिनी केते यूज करबी टी यूज करबी ताले केते हबो डीएक्स ऑपरेटर भी यूज होबनी एटी टी ऑपरेटर यूज हो ताले आप किछ समय पर जे तुम भूली जाउ छो दिस इज इक्वल्स टू दिस हेई परबो कहेंगे ना मु डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन रे पढ़े थी जे सेम फंक्शन रहुची लिमिटिंग वैल्यू भी सेम रहुची केवल प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम किछ नहीं सेटारे वेरिएबल चेंज हो जाउची एलएचएस रे एक्स वेरिएबल रहला बेले आरएचएस रे रहुची टी वेरिएबल एठी डीएक्स ऑपरेटर थिला बेले एपटे रहुची डीटी ऑपरेटर ओके ता माने एबे कोन करबी ताले एठी एक्स इनपुट थिला बेले एठी ए प्लस बी माइनस एक्स इनपुट रहुची ओके तले दिस इज इक्वल टू दिस जदी हेइ परुची हमें प्रूफ तो करी नहंती जदी हेइ परुची तले दिस इज इक्वल टू दिस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड ताहले एठी एक्स रो एफ एफ फंक्शन रे इनपुट केते एफ फंक्शन रे इनपुट होची एक्स एठी एफ फंक्शन रे इनपुट केते ना ए प्लस बी माइनस टी हमें एबे कोन करबा एक्स पोजीशन रे हमें ए प्लस बी माइनस टी नबा माने दिस इज इक्वल्स टू जदी दिस हुए ताले एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बराबर केते होतिबो एक्स इनपुट बराबर केते होतिबो ना ए प्लस बी माइनस टी होतिबो एक्स इनपुट रो बराबर होतिबो ए प्लस बी माइनस टी तो हमें एक्स वेरिएबल एक्सेप्ट एक्स वेरिएबल को रिप्लेसमेंट करी हमें टी वेरिएबल ले कन्वर्ट करिबा सेति पई एक्स जगह रे केते नबा इनपुट हिसाब रे ना ए प्लस बी माइनस टी आउ डीएक्स भी रहइबो नहीं टी वेरिएबल को कन्वर्ट हेले डीएक्स भी टी वेरिएबल ले आसीबो ओके हमें एटी कोन करिबा नबा लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी माने दिस इज इक्वल्स टू दिस जदी हुए सेम लिमिटिंग वैल्यू अछि आउ इनपुट ता एक्स बराबर केते हबो ना ए प्लस बी माइनस टी सेति पई एक्स बराबर ए प्लस बी माइनस टी हबो डीएक्स आउ रहइबो नहीं ओके डीएक्स आउ रहइबो नहीं कारण टी वेरिएबल को कन्वर्ट हेले ऑपरेटर भी टी वेरिएबल ले आसीबो डीटी फॉर्म रे आसीबो ताले एक्स बराबर ए प्लस बी माइनस टी नो एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी मु नेली एबे कोन कोले जोटा को लेटिंग कोली ताको बोथ साइड डेरिवेटिव करबी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल किए एटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने फंक्शन ता जो वेरिएबल रे तिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन ता को वेरिएबल तियारी एक्स वेरिएबल ले त इंडिपेंडेंट वेरिएबल होची एक्स अच्छा एक्स यूज हेले टी वैल्यू बाहर ओके एक्स यूज हेले टी वैल्यू बाहर तेणु आम विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आम कौन ना इन डेरिवेटिव बोथ साइड रे करबा माने डीएक्स बाय डीएक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी माइनस टी बाय डीएक्स माने डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ने भी कहे कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एटी इनपुट एक्स वेरिएबल ले तैयार तर डीएक्स बाय डीएक्स हे गला 1 एटी ए रो डेरिवेटिव एटा कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट
ए आउ बी रो डेरिवेटिव रो रिजल्ट आसला 0 आउ 0 एठी आसला माइनस डीटी बाय डीएक्स तले केते हे गला डीएक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि माइनस डीटी गला ठीक अछि डीएक्स इज इक्वल्स टू माइनस डीटी हम एठी कोन करबा दिस पोजीशन रे सेम लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी नबा डीएक्स से जीवो माइनस डीटी आउ एक्स पोजीशन में केते नबा ना ए प्लस बी माइनस डी ठीक अछि ओके तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू केते लिखिबी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स पोजीशन में केते नेली ए प्लस बी माइनस टी अच्छा डीएक्स केते आसीबो डीएक्स आसीबो टी फॉर्म में टी वेरिएबल फॉर्म में केते आसीबो ना माइनस डीटी ओके ताले एठी माइनस आउटसाइड को आसीला माइनस 1 और माइनस ड्यू टू कांस्टेंट सो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी बुझेला एबे कौन करिबी ना जहां भी अछि लिमिटिंग वैल्यू टा चेंज हेमी भूल हे गेला कोठी हमरो भूल कोठी हेनी एठी जदी एक्स वेरिएबल ले फंक्शन थिला ताहाले एक्स वेरिएबल ले जो फंक्शन थिला लिमिटिंग वैल्यू जहां भी थिला अपर लिमिट लोअर लिमिट ये एक्स इज इक्वल्स टू ए थिला एक्स इज इक्वल्स टू बी थिला एक्स इज इक्वल्स टू ए थिला एक्स इज इक्वल्स टू बी थिला ए टू बी थिला ओके किंतु आमे जेहेतु टी वेरिएबल ले कन्वर्ट करले आ लिमिटिंग वैल्यू चेंज करी ना हती त माने भूल हे जीवो जदि एक्स वेरिएबल टी वेरिएबल को कन्वर्ट हैला ताहाले लिमिटिंग वैल्यू भी इंटरवल भी एक्स वेरिएबल ले थिला एक्स वेरिएबल रो वैल्यू आकार थिला ए भी थिला एक्स वेरिएबल रो वैल्यू बी भी थिला एक्स वेरिएबल रो वैल्यू आकु चेंज करना हती ता माने हमर मिस्टेक हे जीवो एटी कोन करबा ए पोजीशन रे केते आसीबो आ बी पोजीशन रे केते आसीबो देखिबा लिखिबा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए जेतेले एक्स रे वैल्यू लोअर लिमिट ए होउची जेतेले एक्स रे वैल्यू लोअर लिमिट ए होउची सेतेबेले टी रो वैल्यू केते आछ टी वेरिएबल फॉर्म रे लिमिटिंग वैल्यू आसी जीवो तले एक्स इज इक्वल्स टू हम जानि छथि ए प्लस बी माइनस टी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी तो एक्स रो वैल्यू आसला केते एक्स रो वैल्यू लोअर लिमिट होछि ए यूज करले ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी तले ए कैंसिल हला तो टी इज इक्वल्स टू आसीबो बी तो लोअर लिमिट आउ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए लिखिबा नाही एठी एठी केते लिखिबा टी वेरिएबल फॉर्म रे जोटा आसीला टी इज इक्वल्स टू बी आसीला तनो लोअर लिमिट लिखिबा बी ओके टी इज इक्वल्स टू बी और ओनली बी लिख पेबो तापर कोन करबा ना जते बेले अपर लिमिट एक्स वेरिएबल फॉर्म रे बी थाए टी वेरिएबल फॉर्म रे केते आसीबो सेम लिखिबा व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू बी ताले हम केते जानि छथि एक्स इज इक्वल्स टू जानि छथि ए प्लस बी माइनस टी तो दिस सिंपलीफिकेशन एक्स वैल्यू बी यूज करले बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस टी ताले केते आसुचि बी बी कैंसिल टी इज इक्वल्स टू केते आसुचि टी इज इक्वल्स टू ए आसुचि बुझला ताले t इज इक्वल्स टू b आसिला हमर लोअर लिमिट अपर लिमिट केते आसिला t इज इक्वल्स टू a t रो वैल्यू लोअर लिमिट आसिला b x आ x वेरिएबल आ a रहिला नहीं x वेरिएबल जो लोअर लिमिट थिला a आ रहिला नहीं a बदल रे आसिला b आ b बदल रे आसिला a अपर लिमिट बी आउ रहला ना ए आसला टी फॉर्म रे अच्छा ठीक अछि ताले केते हे गला इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए हे गला आ नेगेटिव त बाहर रहला आ
आमे कोण करबा जदि इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए अछि ताको जदि ए टू बी करबा लोअर लिमिट ए करबा अपर लिमिट बी करबा आमे कोण करबा आमे जानि चंती प्रॉपर्टी 2 रे पढिथिले जतरा लिमिटिंग वैल्यू चेंज करा जाय इंटीग्रेशन रिजल्ट जहा आसे नेगेटिव आसे ओके आमे सेटा को एथि मेंशन करबा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए आउथरे मु रीराइट कली एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डीटी यदि बी टू ए अछि यदि ए टू बी हेला लिमिटिंग वैल्यू चेंज हेला आ गोटे नेगेटिव एटी मल्टीप्लाई हो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डीटी ओके ताले नेगेटिव नेगेटिव हला पॉजिटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डीटी ताले आर रिजल्ट कहां से तो बराबर मोरनेटी कहि सरची जे टी वेरिएबल न अछि जदी हमें डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी को रिकॉल करबा तरे एबे जदी एक्स वेरिएबल रे फंक्शन को लेखु चंती ऑपरेटर भी जदी टी एक एक्स वेरिएबल ले आसी जाउ छी माने एटा टी वेरिएबल को आसीले फंक्शन टा हे जाउ छी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ऑपरेटर हे जाउ छी डीटी बदल रे डीएक्स आ सेम लिमिटिंग वैल्यू पाई फंक्शन रो रिजल्ट सेम आसीबो फंक्शन रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट कि सेम आसीबो मु कहितली ए प्रॉपर्टी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी मु कहितली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स रो रिजल्ट इक्वल टू आसीबो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सेम लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ टी रो रिजल्ट बी सेम आसीबो एफ ऑफ टी डीटी रो रिजल्ट बी सेम आसीबो फंक्शन अछि बोथ फंक्शन रो इंटीग्रेशन करा जाउ छी सेम लिमिटिंग वैल्यू पाई ए टू बी आउ ता सहित दुईटा डिफरेंट वेरिएबल ल अछि किंतु सेम टाइप रो फंक्शन सेम लिमिटिंग वैल्यू पाई तांगर रिजल्ट भी कोन आसीबो सेम आसीबो दुटार रिजल्ट इक्वल आसीबो ना कोनी डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी तो हमें टी रो रिप्लेसमेंट रे यदि हमें एक्स यूज करिबा तले किछि प्रॉब्लम नै तार रिजल्ट लिमिटिंग वैल्यू पाई सेम आसीबो तो ए टू बी टी रो रिप्लेसमेंट रे एक्स नबा ए प्लस बी माइनस एक्स डीटी बदल रे आउ माने डीएक्स नबा माने टी ऑपरेटर रहिबो नाही डीटी ऑपरेटर रहिबो नाही डीएक्स ऑपरेटर हिजिबो माने टी वेरिएबल रे आउ फंक्शन को कि फंक्शन सहित जो ऑपरेटर यूज होची डीटी लेखिबा नाही तब एक्स ऑपरेटर फॉर्म रे लेखि दबा तले फाइनल हमर रिजल्ट पाई गले तले केते थिला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स तार रिजल्ट केते पाइले सेम एक्स फॉर्म रे केते पाइले इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इनटू डीएक्स माने इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स जो थिला एक्स रो इनपुट रे केते नेले ना दुईटा रो एडिशन लिमिटिंग वैल्यू लोअर लिमिटिंग वैल्यू अपर लिमिटिंग वैल्यू रो एडिशन हला ए प्लस बी सेथिरु एक्स इनपुट को माइनस कले तले आसीला ए प्लस बी माइनस एक्स आउ ताकु नै करी सेम एफ फंक्शन रे जदि हम इनपुट करिबा आउ ताकु इंटीग्रेशन करिबा सेम लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी पाई तार रिजल्ट आर ऑफ इंटीग्रेशन रो रिजल्ट सहित बराबर हबो इक्वल टू हबो एबे रीराइट करूची दिस इज इक्वल्स टू दिस को आउ एथिरु आउ गोटे फार्मूला भी फॉर्मेशन हो पहले मुझे लिख ली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू पहले इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इनटू डीएक्स ए और बी रो एनी वैल्यू तुम्हें नियो ए रो वैल्यू जहां भी नियो बी रो वैल्यू जहां भी नियो
ए रिलेशन टा LHS is equal to RHS सब बोले इक्वल हो सटिस्फाई करिवो तले जते बे ए टाइप रो किसी फंक्शन थिबो f of x थिबो a to b इंटरवल लिमिटिंग वैल्यू ने आइथिबो तबे x पोजीशन रे लिखि परिवो इनपुट जगह रे दिस प्लस दिस माइनस x आ ताको इंटीग्रेट करले जहा आउथिबो दिस इंटीग्रेशन रो रिजल्ट दिस फंक्शन रो इंटीग्रेशन रो रिजल्ट से त बराबर हबो हला एबे कोन करबी सपोज टेकिंग a is equals to 0 मतलब लोअर लिमिट a is equals to केते नै जिबा 0 नै जिबा अब b is equals to केते नबा a नबा अपर लिमिट b is equals to a नैली लोअर लिमिट a is equals to 0 नैली तले आसी जाउ छी केते आसी जाउ छी 0 to a f of x dx is equals to a is 0 b is a then f of a is 0 so this is 0 0 plus b is a minus x dx तले कते आसिला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम सेम 0 टू a 0 टू a एठी आसिला 0 टू a f of a minus x dx एटा भी गोटे फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली बहुत प्रॉब्लम रे यूज हुए जते बेले इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a थिबो f ऑफ x थिबो गोट फंक्शन इनटू dx थिबो सेते बेले आर इंटीग्रेशन को आ गोट इंटीग्रेशन से तमे इक्वल करि परिबा केमति इक्वल करिबा ना x पोजीशन रे हमें केते नबा ना अपर लिमिट a माइनस x f ऑफ a माइनस x इनपुट रासला a माइनस x सो f ऑफ a माइनस x फंक्शन हे गला इनटू dx एटा हला हमरो सेकंड प्रॉपर्टी तो नुहा थर्ड प्रॉपर्टी नुहा फिफ्थ प्रॉपर्टी ओके फिफ्थ प्रॉपर्टी रो जहां भी हम एठी पाई चंती एंड रिजल्ट फाइनल रिजल्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पाई जहां पाई चंती से फिफ्थ प्रॉपर्टी रो आ गोटे तार सब प्रॉपर्टी फॉर्मेशन हला ठीक अछि फिफ्थ प्रॉपर्टी रो ए फार्मूलाटा आसला मोटा को सिक्स्थ प्रॉपर्टी करबी नै सिक्स्थ प्रॉपर्टी सेवेंथ प्रॉपर्टी आ गोटे वीडियो रे म डिस्कशन करबी त फिफ्थ प्रॉपर्टी रो दिस प्रॉपर्टी रो जतले लोअर लिमिट वैल्यू a इज इक्वल्स टू 0 नेली अपर लिमिट वैल्यू b इज इक्वल्स टू a नेली तहले इंटीग्रेशन वैल्यू इंटीग्रेटिंग 0 टू a लिमिटिंग वैल्यू हे गला बोथ पटे आउ पूरा इंटीग्रेशन रो मैनर LHS आ RHS पर चेंज हे गला माने आसी गला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx is equals to एटी एटा 0 ही गला बीटा a ही गला तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a minus x dx अब आर एप्लीकेशन दिस एक्सप्रेशन रे एप्लीकेशन अब दिस एक्सप्रेशन रे एप्लीकेशन बहुत उडे टाइम रे तमे डेफिनेट इंटीग्रेशन रे प्रॉपर्टी रे यूज करो बस ये प्रकार प्रॉपर्टी को तमे डिफरेंट टाइप रो प्रॉब्लम रे तमे यूज करो हला नेक्स्ट वीडियो रे हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 डिस्कशन करिबा टिल देन बाय।